أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعين سيدنا وسيد الاولين والاخرين حبيبنا وحبيب اله العالمين امام المرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم ما هي مبارك رمزان ما هي مبارك رمزان कि आज िब या यकीनन पहली शब है हिल माह के रमजान बहुत से पैगाम लेकर आता है ये महीना तंजील क़ुरान का महीना है और मेरे महतरम साम के जहनों में ालिबन ये जुमला भी महफूज होगा जो मैं मम्बर हुसैनी से कहा करता हूँ कि माह मुबारक रमवा तनज़ील क़ुरान का महीना है और माह मुहरम माह महरम تأويل قرآن کا مہینہ ہے بہرحال پروردگار ہمیں اور آپ، تمام حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں اطاعت و بندگی حق سبحانه وتعالى کا کچھ حق ادا کر سکے. हक तो हम क्या अदा कर सकेंगे हम अपनी नीयतें दुरुस्त कर सकें अखलास पैदा कर सकें और हक सुबह तआला की बंदगी की कोशिश कर सकें और हक़ सुबह नव ती की बंदगी की कोशिश ये है कि हम मुस्तफा मुस्तफ़ी सल्ह वसम और उनके मासूम जानशीनों की बंदगी कर सकें मनहसरन नज़ूल क़ुरान के बाद तबलीग़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इस वक्त पूरी दुनिया में पूरी इस कायनात में अल्लाह व तआला अगर किसी से तोहद भी कबूल फ़रमाएगा तो वो तो जो उसने अली और मोहम्मद से ली होगी अलमदल वो तो जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फ़रमाई और जिसकी तशरीह फ़िक्र और नजरिए और अमली दोनों सतह पर अमीराम आलि इब्न अब तालिबल सला फ़रमाई तोहद हो नबूत हो महद हो आखिरत का अक़ीदा और उसकी तफसील शरियात के असूल हों शरिया के फ़रू हों अखलाक़ियात हों यह सब के सब हमें अगर लेने हैं तो बाब शहर इल्म अली इब्न अबी तौल सलाम से इसलिए मैं कहता हूँ कि बेहतरीन जुमला ये है कि हम मामूर हुए हैं बंदगी अली के लिए अगर हम अली के बंदे नहीं हो सकते तो हम खुदा की बंदगी का हक़ अदा नहीं कर सकते इसलिए कि तहरीफात का शिकार हो जाएंगे इनहराफ़ात का शिकार हो जाएंगे मुसलमान बिखर गए इसीलिए कि उन्होंने पैगंबर अलैहि वसल्लम के इस पैग़ाम को नहीं समझा कि तुम सबको पैरवी करनी है इताअत करनी है इताअत महज जिस तरह अब किन्न होता है बंदे खालिस अली के बंदे खालिस हो जाओ तो ख़ुदा तक पहुँचने का रास्ता खुल जाएगा इसलिए ख़ुलास इस्लाम मेरी नज़र में तो यही है कि अगर हमें क़ुरान मजीद को समझना है अगर हमें क़ुरान मजीद की तफसीर से लेकर तवील तक अगर हमें दीन इस्लाम को उसूल से लेकर फ़्रो तक अगर हमें हक़ीक़त इंसानियत को रूहानियत से ले कर अखलाक़ियात और माशरती आदाब व तहजीब वक़ाफ़त तमादन तक समझना है और अख्तियार करना है और बंदगी हक़ का हक़ अदा करना है तो कहीं और से ये मारफ़ हासिल नहीं होंगे लफजी मतन क़ुरान का होगा و بولتا سخن متن سخنة حق سخن محمد و آل محمد عليهم الصلاة والسلام هكا جسم سبس بارز شخصیت مقام السخن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بہرحال ماہ مبارک رمضان هي اس کا تعلق الله سبحانه وتعالى سته ہی مؤمنين سے ہے اور نفس رسول عين الله يد الله جنب الله حجت الله ولي الله باب الله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سيد کہ اسی ماہ مبارک میں آپ کی شہادت عظماء ہے آج تک افسوس ہے کہ آج تک انسانوں کی اکثریت اس معجزہ الہی سے ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب लोग फ़ाएल अमीरमिन को सुनने की ताब नहीं रखते सारी जहानतें कंद हो जाती हैं जब फ़ाएल अलीलाम समझने की बात आती है यूँ ख़ूब ज़बान व अदब की दकीका सन्जियाँ होती हैं गुल अफ शानिया गुफ्तार खूब होती है मजाज व इसतिहारे खूब बरते जाते हैं और समझे जाते हैं ज़िक्र अली में कहीं ऐसा कोई पहलू आ जाए तो अकलें हैरान हो जाती हैं दिल तारीख़ हो जाते हैं दीन व शरीयत ख़तरे में पड़ जाती है वाय हो उनकी तोहैद पर जो तोद का सहारा लेकर अली के ज़िक्र को मिटाना चाहते हैं حق سبحانه وتعالى ستتحلل آپ سے ایسی توحید چاہتا ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ من اجل ان يكون بَهَات असर अली इब्ने अबी सलाम की ता गी बहुत बुलंद है आपका नाम ग्रामी बुलंद है अली के मानी ही बुलंदी के बुलंद के अली यानि वो बुलंद बुलंदी जिसके साथ दायमी ताल्लुक़ रखती है तो जो पस्त तबीयत के लोग होते हैं दीन फरोश वो अली के वफादार कभी नहीं हो सकते दीन फरोश जिन्होंने दीन के उलूम हासिल किए हैं सिर्फ़ कसब माश के तौर पर बेचारे बेचारे जिन्होंने दीन हासिल किया है सिर्फ़ इसलिए ताकि दीन के ज़रिए से कसब माश करें ऐसे लोग बाजारी जहन के होते हैं और जब ज़बान जब भी इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा उनकी सालाहियत ही नहीं होती है जो लोग दीन हासिल करते हैं या कोई भी इल्म हासिल करते हैं अपने नफ्स को बुलंद करने के लिए नफ्स की तकमील के लिए क़ल्ब इंसानी की परवरिश के लिए क़ल्ब इंसानी की परवरिश नफ़्स इंसानी की परवरिश तरबियत तजकिया तरबियत परवरिश अरता इतना सफ़र अरता तय करो कि म़ाम तक पहुँच जाओ यही इस सुरे मुबारक का बिलुब बिलुबाब है मैं अक्सर क़ुर मजीद के किसी एक लफ्ज़ की तफसीर बयान करने की कोशिश करता हूँ तो निगाहों के सामने एक मानी का नूरानी कुलज़ुम मतलब नज़र आता है एक मवाज समंदर एक बहरे बे उसे मैं समेट नहीं पाता हूँ नतीजा ये होता है कि मैं बिखर के रह जाता हूँ एक एक अशरा एक एक आयत पे पढ़ता हूँ और फिर माजरत करता हूँ कि इस आयत के बयान का हक़ अदा नहीं कर सका लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि मेरी उम्र का कितना हिस्सा बाकी रह गया है इसलिए मैं इस मरतबा ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप हजरात के सामने हर रोज़ कोई एक मुकम्मल सूरा पेश कर सकूँ सरबस्ता अंदाज में मेट कर मतलब कोर्ज कर सकूँ। तो ये भी एक मेरी जिंदगी का तजर्बा होगा कि एक एक दिन में एक एक नशस्त में एक एक सूर्य की तफसीर की तरफ इशारात कर दूँ। आज इस पहली नशस्त में मेरे सामने सूर्य मुबारक शम्स की किरणें बिखर रही हैं सूर् शम्स क़र मजीद के अज़ीम शान सूरों में से एक है ये उन सूरों में से एक है जो सूर बजाय ख़ुद एक मुकम्मल किताब है यानी अगर मुस्तफा सल्लल्लाहु मुस्तफ़ी वसल्लम सिर्फ और सिर्फ़ इसी एक सूर्य को लेकर आए होते तब भी उनकी नबूत का कलमा पढ़ने के लिए ये कलाम काफ़ी था और अरबाब अक़ूल के लिए जो लोग अक्ल रखते हैं जो लोग फहम रखते हैं जो लोग तफक्कुर, तदब्बर और तफक् रखते हैं उनके लिए ये सूरा बहुत अज़ीम शान हो रहा है हालांकि मजदुद्दीन ने फ़िरोज़ाबादी साहिब किताब अतमीज़ तमीज़ ने गिनती करके बता दिया है गिन कर बता दिया है शुमार करके बता दिया है कि इस सुर मुकबारक में कुल दो सौ चालीस हर्फ हैं देखिए ये इशारात हैं हर इशारा एक अजीम हकीकत की तरफ़ इशारा करता है हिदायत करता है कुल दो सौ चालीस हरूफ़ हैं और सिर्फ़ चौवन फिफ्टी फ़ोर चौवन अलफ़ हैं और पंद्रह आयतें हैं और जो लोग आदाद और शुमार कुरान पर तहक़ीकी नज़र डालना चाहते हैं तो तारीख़ में देखेंगे कि बाज़ मकातिब ने इसको सोलह आयतें भी करार दिया उसमें कोई आयत इजाफ़ा या कम नहीं है सिर्फ ये है कि किस आयत को मिलाकर एक समझा है और कहाँ पर ठहर कर उसको दो जुमलों में तकसीम कर दिया है मतन यही इतना है मजद फिरोज़ाबादी और इस कबील के दूसरे महक्की ने जो काम किया है उसकी अपनी एक अहमियत है वो अहमियत ये है कि जो लोग बार बार नाविल्ला नाविल्ला तहरीफ़ क़ुरान का शुभा उठाते हैं शोशा उठाते हैं वो याद रखें कि मुसलमानों ने क़र मजीद के ताल्लुक से उस इश्क और आलाक़ ख़ातिर का सबूत दिया है कि इसके एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ एक एक जेर ज़बर को गिना है जो कौम इतना एहतमाम करे इस किताब के साथ वो इस किताब को ज़ाया नहीं कर सकती इस किताब में तहरीफ वाक़ नहीं हो सकती पैगम्बर अक्रम सल वसलम के ज़माने से हुजूर ख़ुद तालीम फ़रमाते थे सहाबा को बहुत सी रिवायतें हैं बहुत सी रिवायतें हैं जिसमें यह है कि हुजूर ख़ुद क़ुरान पढ़ाते थे सहाबा को और अक्सर ये होता था कि आप एक नशस्त में दस आयतें पढ़ाते थे तो फिर वो दस आयतें इस तरह पढ़ाते थे कि ज़ेर ज़बर तजवीज़ हरूफ़ अलफ़ के साथ उसके अंदर जो मतालिब और अहकाम होते थे वो भी तालीम फ़रमाते थे अफसोस ये है कि अकदार पाने वाले या इकतदार को हासिल करने वाले बाज़ लोगों ने हुजूर की हदीसों का सरमाया मिटाया जलाया ज़ाया किया और हुजूर की हदीसों के बयान करने पर पाबंदियाँ लगा दी गई आज हाँ जो अवाम उन्नास अवामनास है मुसलमान ये समझते हैं कि बहुत अहतमाम किया है सुन्नत पैगम्बर सल्ला वल् और अहादीत पैगम्बर के साथ उस दौर के लोगों ने भूल है उन्हें मालूम नहीं कि बाद साहिबानकतदार ने खुद अकतदार में आने से पहले पैगम्बर की हयात में हयात तीबा तो आज भी उनकी जारी व है उनके या वजूद के दौर में हदीसें मरतब की थीं मजमू मरतब किए थे जिसे बाद पैगंबर जला दिया या ज़ाया कर दिया और इकतदार में आने वालों ने पाबंदी लगा दी अब पर कि तुम हदीस पैगंबर बयान नहीं करोगे और यहाँ तक वाक़ हैं कि कोई हदीस पैगंबर बयान करेगा तो उसको बयान किया किसी ने हदीसें बयान कि तो उसे दुर्रे लगाए गए कोड़े लगाए गए सजा दी गई घर में बंद कर दिया गया खाना क़ैद कर दिया गया ये सब तारीख नहीं बयान होती ना अब तो बहरहाल इन तमाम कोशिशों के नतीजे में यह हुआ कि वो ने कुरान तो महफूज रह गया लेकिन मानवी एतबार से कुरान की तहरीफ हो गई यानी कुरान के मानी ज़ाया कर दिए गए कुरान के मकालि ज़ाया कर दिए गए क़ुरान के मक़द ज़ाया कर दिए गए आयतें याद कर ली गई मकासद ज़ाया कर दिए गए बहर हाल ये इसलिए ज़बान पर दर्द आ गया कि मैं आज कर रहा था कि हज़ूर ख़ुद बहुत से सहाबा को रोज़ाना तालीम फ़रमाते थे दस आयतें और दस आयतें का मतलब ये कि सिर्फ़ वो आयतें नहीं रटा देते थे बल्कि उनके अंदर जो अहकाम हैं आदाब हैं रूज हैं मतलब हैं इशारते हैं हज़ब र्रफ़ हसबरफ़ जो तलब इल जो, जो सहाबी जिसने जितने मतालब का मुतहमल होता था उसको उतनी बातें तालीम फरमा देते थे तो हजूर सल्ला वम के ज़माने से लेकर अब तक मकालिब तो जू के तू महफूज नहीं रहे लेकिन अल्फाज ज़ाया नहीं हुए यानी मतन क़रआन आयात इलाहिया का मतन महफूज रहा महफूज है और इन शयाम क़यामत तक महफूज रहेगा ये वाद हक इलाही है ये वाद हक़ इलाही है। और खुले हुए मुआजात में से एक ये मुजज़ा है कि अल्लाह सुबहान त वादा फरमा लिया था कि ये किताब महफूज रहेगी हम इसे महफूज रखेंगे तो दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर इस किताब को मिटा नहीं सकें कोशिशें करते हैं। बीच में शुभात पैदा हुए थे किसी ने कोशिश की कुछ आयतें कम करके एक एवरेज एडिशन नया अपने मतलब का शाया कर दिया कुरान का ये तहरीफ नहीं इसका ये मानी नहीं कि कुरन ज़ाया हो गया महफूज है और महफूज रहेगा तहरीफ करने वाला रसवा हुआ और रसुआ होता रहेगा बहरहाल ये मतालब तो मैंने इस नक़़ नज़र से कह दिया कि पूरे क़ुर मजीद में हर हर शूर के अल्फाज हरूफ़ हरक़ात यानी कितनी मरतबा क़र मजीद में ज़बर आया फ़ा कितनी मरतबा क़ुरान मजीद में जे आया है कसरा कितनी मरतबा कुरान मजीद में गमा आया है कितने मकाम पर कुरान मजद में सुकून है इन तमाम चीज़ों का को गिन ग महफूज रखा है लोगों ने उस ज़माने में जब गिनने के लिए ये कम्प्यूटर्स और कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे ये मशीनें नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में लोगों ने हरफ हरफ़ पलकों पर उठा के रखा है और दिलों में महफूज रखा है क़ुरान मजीद का तो सूर्य मुबारक शम्स में 240 सौ चालीस हैं और पंद्रह या सोलह आयतें कुल चौवन अल्फाज हैं लेकिन ये 54 फ़ोर वर्ड्स क्या क़यामत क्या के अल्फाज हैं मैं इशारात करूँगा पूरा बयान नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पर ठहर कर एक तमीज़ ज़रूरी है और वो क्या कुछ कलाम होता है जो जहत सती सपाट कलाम होता है इसे आप यूं समझें कि आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं इसका सबसे क्लासिकल और सबसे मतदावल और आम फहम और अवामी जोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या है थ्री डायमेंशनल है ठीक है ना साथ आर्स तोल ओं है टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है वो एक बात अलग है वो इस वक्त काबिल ज़िक्र है भी नहीं भी है जब एक ख़त होता है एक लाइन तो बस वो एक लाइन है उसके अंदर कोई और डायमेंशन नहीं है लेकिन जहाँ उसमें दूसरा ख़त जोड़ दिया आपने किसी दूसरी सम्थ में दूसरे डायरेक्शन में तो एक और डायमेंशन पैदा हो और जब तीसरा आपने जोड़ दिया तो अब उसके डायमेंशन तीन नहीं रह गए बज़ाहिर अब आप सेक्शंस करते चले जाएं तो कितनी तहें बन जाएंगी आइए चलते हैं किसी दरिया में उतरते हैं समंदर में उतरिए समंदर भी वैसे तो थ्री डायमेंशनल है ना समंदर की बिल्कुल ऊपरी सतह पर पानी के कतरे हैं उस ऊपरी सतह के बिल्कुल नीचे फिर पानी के कतरे हैं उसके नीचे फिर पानी के कतरे हैं उसके नीचे फिर पानी के कतरे हैं उसके नीचे फिर समंदर की तह तक कितनी लेयर्स हैं इन कतरात की हैं या नहीं कुछ विजुअलाइज हो रहा है अच्छा समंदर से निकल आइए नस्फ नहार के वक्त रोजे रोशन में सूरज के नीचे खड़े हो जाइए सूरज की शुवाओं का एक सिरा आपके जिस्म पर है आपके लिबास पर है और शुवाओं का एक सिरा जिर में शम्स से जुड़ा हुआ है सूरज से जुड़ा हुआ है और इस पूरे दरमियान में आप उसे फोटोन्स कहिए कुछ भी कहिए कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कहिए जर्रात नूर या अमवाज नूर मौजूद हैं तहबत है तहबत है तहबत है तह ठीक है ना इंसान का कलाम आम तौर पर एक खत में होता है एक लाइन का मतलब बस एक ही लाइन का मतलब होता है मैं इस बच्चे से कहूँ बेटा पानी ला के दे दीजिए इसके मानी बस इतना ही पानी ला के दीजिए और कोई इसमें गहराई नहीं क़ुरान मजीद की इबारतें सूरज की किरणों की तरह या समंदर के मवाज पानी के कतरों की तरह इसमें तह दर तह, तह तह दर तह दर तह दर तह मकालिब हैं मानी हैं ये जहन में हमेशा रहे महफूज अज्जा ये बात मैं इस तरह से कह तो चुका हूँ शायद पहले भी लेकिन एक बात और वजाहत करूँ फ़नी लिहाज से ताकि नहवी सरफ़ी बलागी कवायद जो तलब है, जो तलबा जो महक्की ओक़ रखते हैं उनके लिए ये बातें यादगार रह जाएँगी आम तौर पर ये तबीर बहुत आम है कि फ़लाँ शायर का फ़लाँ अदीब का कलाम बहुत तहदार होता है हकीकता तहदार है या नहीं इसके परखने का मैार क्या है कोई कुछ कवायद मुरतब किए गए इसके लिए मेरा ख़्याल है नहीं जो कुछ ओम बलागत की किताबों में है वह अभी बहुत नाक़ है बहुत नाक़ है कम अज़ कम क़ुरान समझने के लिए कुरान मजीद का हक़ अदा करने के लिए चौदह सौ पंद्रह सौ बरस के अरसे में जितनी किताबें बलागत की लिखी गई हैं बलागत की ये सब बहुत नाक़ हैं ये सब क़ुरान की एक सतह को समझने के लिए हैं और उसके नीचे जो गहराइयाँ हैं वो किताबें बेकार हो जाती हैं अच्छा मैं अब ये जो बात अर्ज करना चाहता हूँ ये अर्ज़ कर लूँ किसी कलाम में कभी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बर बिनाए हकीकत हकीक़त लविया के तौर पर यानी कहीं किसी जुमले में हम कहें आ, सूरज निकला हुआ है तो यहाँ सूरज से मुराद बस ये सूरज है लफ्ज़ सूरज के जो हकी है वो वही मुराद है यानी यहाँ सूरज हकीकत है मजाज नहीं है इससे जो जुड़े हुए और जुमले में कहूँ तमाम जुमलों में इस पहले लफ्ज में जो हकीबर बिना हकीक़त है वो हकीकत का रिश्ता कायम रहे तो इसका मतलब है कलाम व नज़म है अगर इसी कलाम में तहदारी है तो इसके मान ये होंगे कि अब इसका कोई मजाजी पहलू है तो जिस वक्त हम लफ्ज सूरज या शम्स के मजाजी मानी कोई मुकर करके और फिर पूरे कलाम पर नजर डालें तो उसके लिहाज से भी पूरा कलाम बामानी रहे कहीं वो निज़ाम मत्ल या बातिल ना हो जाए खलल ना आ जाए तब इसके मानी हैं कि ये कलाम तहदार है वरना कलाम तहदार नहीं होगा और अगर मजाज़ की कई सतहें हैं इसारे की कई सतहें हैं तो हर सतह पर पूरा कलाम मफहूम के लिहाज से और मंतूक के लिहाज से और मानी के लिहाज से मानी खेज हो दुरुस्त हो सही हो कहीं उस निज़ाम मानी में खलल ना आ रहा हो दरार न पड़ रही हो कहीं पर तब कहते हैं कि यह कलाम तहदार है क़ुरान मजीद में ये शान मौजूद है जहां हक सुबह ना ने कोई कलमा बरबिनाए हकीकत इस्तेमाल किया है और उसके आगे और पीछे जो इबारते हैं जो आएते हैं वो सब मुनसज़िम और मुनज़म हैं। कहीं कोई खलल नहीं है कोई फतूर नहीं है <laughs> और अगर वहाँ मजाजी माना रखेंगे आप वो मजाजी मानी जो हकीकी मानी से मुनसज़िम हो जो मकासद दीन मकासद शरीयत से हम आहंग हों हाँ अच्छा दिल खा नहीं है कि जो आपका दिल चाहे मजाजी मानी तस्वूर कर लें या फर्ज कर लें वो मजाजी मानी जो हकाक दीन से मरतब व मतलक़ हैं हक़ हयात है से मुरतब व मतलक हैं लेकिन हक दीन और हकाक वही और मकासद वही से हम आहंग हैं वो मानी अगर वो रखे जाएँ तो भी पूरा कलाम मुनसजिम हो ये मैं क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ इशारे करने हैं ना मुझे सिर्फ़ सूर्य मुबारक शम्स की तफसर गौर कीजिए अगर एक आम आदमी ले मैन जो अरबी जबान जानता है उसके सामने सूर्य शम्स पढ़ा जाए तो भी पूरा सूर इंतहाई बलीग और बामानी और पुरतासर है हर लफ्ज़ को उसके हकीकी माना पे महमूल कीजिए शम्स से मुराद ये सूरज है ये जिर में समावी ये कुर नारी ये आग का गोला जो पूरी दुनिया में गर्मी हरारत और रोशनी बिखेर रहा है पूरी कायन में अपनी गैलेक्सी में इस अपने निज़ाम शमसी में तो फिर क्या होगा वह शमस व गुहा सूरज की कसम और उसकी बिखरी हुई या फैलती हुई रोशनी की कसम या में सूरज की कसम और उसकी उस रोशनी की कसम जो चीज़ों को रोशन कर देती है देखिए अब ये तर्जमे अलग अलग हैं लेकिन तीनों तर्जमों में फ़र्क महसूस होगा एक तर्जमा यह सूरज की कसम और उसकी रोशनी की कसम दूसरा तर्जमा सूरज की कसम और उसकी फैली हुई रोशनी की कसम तीसरा तर्जमा सूरज की कसम और उसकी फैलती हुई रोशनी की कसम चौथा तर्जमा सूरज की कसम और उसकी उस रोशनी की कसम जो चीज़ों को काबिल दीद बना देती है और ख़ुदा की कसम जो लोग अरबी ज़बान और डिक्शनरी का काौक़ रखते हैं वो समझते हैं इनमें से चार में से एक भी तर्जमे को कोई गलत नहीं कह सकता चारों तर्जमे दुरुस्त हैं मगर चारों तर्जमों में मानी का कितना फ़र्क पैदा हो रहा है और अदबी लिहाज से तज्जिया कीजिए कि जो मानी की तस्वीर बनती है जहन में तो एक तस्वीर होती है जो जामिद होती है साकित होती है ठहरी हुई एक तस्वीर वो होती है जो मुतहरिक तस्वीर होती है तो जब मैं कहूँगा सूरज की कसम और उसकी रोशनी की कसम तो एक तस्वीर बनेगी मानी की लेकिन जामिद साकित Still। और अगर मैं कहूँ सूरज की कसम और उसकी फैलती हुई रोशनी की कसम अब यह तस्वीर मुतहरिक तस्वीर है अब यह जो तस्वीर है ये इसमें हरकत पाई जाती है तस्वीर में और जब मैं कहूँगा कि सूरज की कसम और उसकी उस रोशनी की कसम जो चीज़ों को रोशन करने वाली है बेपनाह हरकत है इसमें फिर इस हरकत को आप इसके इतने इतनी मौजें हैं जिसका अहात जहन नहीं कर सकता और मैंने अर्ज़ किया कि ये सिर्फ़ हकीकत की बिना पर है यानी जो लोगवी हकीक़त है उस बिना पर और फिर उसके बाद वाली आयतें सब इस किताबें होंगी सूरज की कसम और उसकी रोशनी की कसम वल वलकमर इधा तला और चाँद की कसम चांद भी यही चाँद ये कोरा ये कोरा है खाकी या हजरी ये पत्थर का गोला लेकिन इसकी कसम सिर्फ नहीं खाई गई है इसकी कसम शर्त के साथ खाई गई है और वो शर्त यह है कि उस चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे पीछे चले क्या बलागत है चांद की कीमत ही तब होगी जब वो सूरज के ताबे फरमान हो अब ये सूरज के पीछे पीछे चलने क्या मानी है यानी सूरज से रोशनी लेकर ज़मीन तक पहुँचाए कायनात में पहुँचाए या सूरज के बाद तुलु हो अब इसमें पहलू हैं जैसे पहले आयत के दर्जे में पहलू थे ये हकीकत के माना में तो सूरज की कसम उसकी रोशनी की कसम उस चाँद की कसम जो सूरज के बाद तुलु हो जाहिर है कि रात में सूरज जब डूब जाता है तो चाँद तुलु होता है उसकी कसम खाई गई मानी मुंसजम हैं हर आदमी हर आदमी खेत में मेहनत मज़दूरी करने वाला मज़दूर भी इन मानी से महजूज़ हो सकता है लुफानंदोज़ हो सकता है वो मुफ़्रीन जो कुतुब खानों में बैठ कर सोचते हैं और हर चीज़ को किताबों में तय देखते हैं वो इतना महजूज़ नहीं हो सकते जितना वो मज़दूर जो साफ़ फ़रत और पाक जहन वमीर रखता है और खेतों में काम करता है वो वह बर सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी से रिश्ता रखता है वो महजूज़ होगा इससे वो लज्जत हासिल करेगा इन आयतों की और जब कसम के अंदाज में ये बात पेश की जाएगी उसलूब कसम वो उसलूब है जो इंसान के दिलो दमाग को लफ्जों से झंझोड़ देता है एक ये क्या कि आप किसी शख्स का गरे बान पकड़ लें बाजू पकड़ लें और पकड़ के झिझोड़े कि तुम समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो तुम जानते हो इस बात को मान क्यों नहीं रहे हो तुम्हारे दिल दिमाग में यह बात मौजूद है तुम एतराफ क्यों नहीं कर रहे हो एक ये कि नहीं आपने हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं किया लफ्ज कसम इस्तेमाल ये कसम जो है इंसान के दिल और दिमाग दोनों को झिझोड़ देती है यह उसलूब कसम का फायदा कुरान मजीद में तो कसम खाई अल्लाह और यह कसम जब जब एक आप आम समझदार इंसान अकेल इंसान के सामने कसम खाएंगे कहेंगे अल्लाह सुबहान मताल कहता है सूरज की कसम है उसकी रोशनी की कसम है इस चाँद की कसम है तो एक आम आदमी भी गौर करने पर मजबूर होगा और फिर सोचेगा कि ये कसमें क्यों खाई जा रही हैं हमें क्या बात बतानी जा रही है तो वो बात जो मुकसम अलह है जिस चीज़ के लिए कसम खाई गई है उसको सोचने समझने और कबूल करने के लिए पूरे वजूद के साथ तैयार हो जाएगा यह तासर सुखन का ज़ाहरी पहलू चाँद की कसम जब उसके पीछे पीछे चले उसकी पैरवी करे वाल तला व والنهار इदा जल्लाह और दिन की कसम जब वो इस सूरज को और ताबनाक बनाए रोज सूरज की किरणों को फैलाए खयानत ना करे समेटे नहीं पर्दा न डालें वल अकशा और रात की कसम जब वो उस पर पर्दा डाल दे, दोनों की कसम खाई गई ये सब अभी सूरज के ताल्लुक सूरज हकीकी माना में है चाँद हकीक़ी माना में है चांद की हरकत हकीकी माना में है और रात और दिन का काम अपने हक़ीकी महाना में वमा एवमा बनाहा और आसमान की कसम और उसकी अजीम शान इमारत की कसम या उसके बनाने वाले की कसम दो पहलू हैं यहाँ पर परमां पहा और ज़मीन की कसम और उसको फैलाने वाले की कसम व नफ़् वमा सवाहा और इस नफ्स की कसम नफ्स इंसानी वमा सवाहा में भी दो पहलू हैं एक नफ़्स की कसम और इस नफ्स की अजीम शान तश्कील और साख्त की कसम इसकी बनावट की कसम और दूसरे ये कि इस नफ़्स की कसम और इसके बनाने वाले की कसम यहां पर मां माना मन है ये सब इशारा हैं जी ये कसमे खाने के बाद कहा क्या गया अब यहां पर कुछ हजरात कहते हैं कि यही बात जो आगे आई है कि व व तकवा हक सुबह नर नफ्स को नेकियों और बदियों का शूर अता कर दिया है इ्माम फरमा दिया है इल्का फरमा दिया है ये बहुत अज़ीम मकाम फिक्र है, बहुत अज़ीम यानी हर नफ़ इंसानी फ़री तौर पर शोर ख़ैर व शर रखता है नेकी और बदी का शूर रखता है और फिर कहा जा रहा है फ़ालमहा फजू रहा व तकवाद अफलामन ज़क़ा वक़द ख मन दसा फलाह पा गया वो जिसने इस नफ्स को पाक करके परवान चढ़ाया अब ये मैं दोनों लफ्ज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरी मजबूरी है अगर मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा तो वह मतलब अदा नहीं होगा जो इस आयत में है उमूमा लोग सिर्फ ये हालांकि एक माना कहने से बदलत अल्तज़ामिया दूसरे मानी भी साबित ही हो जाते हैं लेकिन कह देना बेहतर है तजिके के मानी सिर्फ ये समझे जाते हैं तकवा अख्तियार करो सफाई करो सफाई 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 तो इससे कभी कभी बात महदूद हो जाती है सफाई किस लिए करो सफाई करने का फ़ायदा क्या है कोई दरख्त जब आप बोते हैं तो उसकी जड़ों को और उसकी तने को शाखों की सफाई करते रहते हैं कैसे इजाफ़ी जो ख़स व खाशाक इजाफी चीज़ें घास उगाती है और ज़ायद शाखें निकल आती हैं उन्हें कतरते रहते हैं तो इस तरह वो शजर परवान चढ़ता है अगर ये काम ना करें तो परवान नहीं चढ़ेगा नफ़ से इंसानी को इसी तरह से साफ़ करना है ताकि वो परवान चढ़े तो दरअसल और तजिए का जो रूट वर्ड है उसमें भी नमू के मानी है अमीर अल्लात वसलाम का मशहूर फिक्र है कि फकर जो है वो परवान चढ़ता है बढ़ता है नश्व नमा पाता है तो नफ्स को जिसने परवान चढ़ाया पाक, पाकी के साथ उसने फलाह पाई और जिसने इस नफ्स को पामाल किया वो वॉब मंदसा जिसने पामाल किया वो ख़ायब खासिर रहा वो नाकाम रहा ना मुराद रहा ज़ाहरी मानी पर भी महमूल करें तो ये इसमें बेपनाह तासीर है बेपनाह तासीर है और हर आदमी के लिए अल्लाह सुबहान मताल की तरफ़ से हजत तमाम होती है चूँकि वह सूरज पर निगाह डालता है सूरज की रोशनी पर निगाह डालता है चाँद को देखता है आलम फ़ितरत को देखता है आलम कौन फसाद को देखता है ज़मीन तो आसमान हर चीज़ को देखता है फिर अपने नफ्स की तरफ तोज्जो करता है और फिर अल्लाह आवाज की आवाज़ की तस्दीक करने पर मजबूर होता है वो पाता है कि उसके अंदर शुरू खैर व शर मौजूद है और वो इस बात की सच्चाई को जानता है और तस्दीक करता है कि हाँ अगर इंसान सच और हक़ पर हमेशा गामजन रहे तो कामयाब होगा और अगर इस नफ्स की आवाज़ को ज़मीर की आवाज़ को झुटलाएगा फितरत को झुटलाएगा तो नाकाम होगा ये एक रुख है लेकिन अगर लफ्ज़ शम्स को जैसा कि हमारे इरफानी मकात बानी मकात कि यहाँ से मुराद शमस नबूत रसालत है से मुराद ज़ात गिरामद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर उसकी रोशनी से मुराद क्या होगा तो मुराद शम्स से रसालत है तो फिर पूरी रसालत और नबूत और नूर वही और जो आपके जरिए से लूम दीन का इलम हकायक का इलम जो फैला वो होगी आपकी रोशनी फिर जब आपने किसी को अपना जानशीन बनाया जो आपके बाद तलु करे और आपकी रोशनी को दुनिया में बाकी रखे जो नफ़ रसूल हो अमीरमिन तो ये बंजिल कमर है क़मर नफ़ रसूल कि उन्होंने हुजूर के बाद इस दुनिया में आपकी रोशनी को फैलाया दीन को बाकी रखा और फिर इसी तरह ये पूरा सिलसिला उसी थे। हर आयत फिर आसमान के मानी ज़मीन के मानी दिन के मानी रात के मानी सब में मजाजी मानी पैदा होते चले जाएंगे जिसकी तफसील और रफ़ा ने अपनी जगह लिखी है और मैं अर्ज़ करता हूँ कि तंज़ील से तावील तक ज़ाहरी मानी से इस तवीली और बाकी मानी तक अगर मकाशिदे साबित कुरानियाँ जो मकाशिद दीन हैं, उनसे कहीं टकराव नहीं है तो आप इस तरह की तावील को रद्द नहीं कर सकते हैं तीसरी जहत भी है तीसरी जहत यह है कि शम्स से मुराद रूह है कमर से मुराद दिल है कल्ब ये भी एक मसलक है और उस मसलक के तहत सिर्फ़ इशारात कर रहा हूँ मैंवान ही इस सिलसिले का इशारात है तमाम आयात में फिर दिन से क्या मुराद है रात से क्या मुराद है ज़मीन से क्या मुराद है आसमान से क्या मुराद है सब उसी से मुनासिबत रखते हुए मानी मुन किए गए हैं मुकर किए गए हैं और पैगाम मेला फिर भी अपनी जगह महफूज रहता है मकसद क़ुरान ज़ाया नहीं होता तफसर के मकाम में वो तमाम मकामात बातिल हैं वो तमाम कोशिशें बातिल हैं जहाँ किसी इंसान की ज़ाती ख़्वाहिशों के मुताबिक तफसर की जाए या किसी सियासी और किसी और नुक़ नज़र से तफसर की जाए लेकिन अगर मकासद इला के तहत ही तफसर की कोशिश हो रही है तफ़ीम की कोशिश हो रही है मुराद हक़ सुबहान तक पहुँचने की कोशिश हो रही है तो ये तमाम कोशिशें मुस्तसन हैं और इन्हें तफ़ीर बिरए के ज़िमे नहीं लाया जा सकता मेरा ख़्याल है कि आज की गुफ्तु में हम यहाँ पर ठहरते हैं और इस सूर्य को एक दिन और यानि कल की गुफ्तु में भी हम इसी सूरय पर गुफग करेंगे और दो दिनों में इस पूरे सूर्य को मुकम्मल कर लेंगे इनशा क्योंकि आज इससे ज़्यादा आवाज़ और ताकत साथ नहीं दे रही है लेकिन जितना कुछ मैंने अर्ज़ किया पूरे सौर पर नज़र डालने के लिए ये जाविये काफ़ी होंगे ये ज़ाविये काफ़ी होंगे परवरदिगार हमें और आपको सबको तोफ़ी आता फ़रमाएँ कि हम इस सूरज की भी क़दरदानी करें अपनी रूह की भी कदरदानी करें और शम से नबूत रसालत और, और कमर विलायत की भी क़दरदानी का हक़ अदा करें और अल्लाह के सच्चे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसलम के सच्चे उम्मती मौलए गदीर के सच्चे मवाली और दीन हक पर गामजन होने वाले अल्लाह के सच्चे बंदे बन सकें واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين